अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सीटेट को लेकर दोस्तों, तो टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, आज की हम बड़ी अपडेट देखेंगे। और आज आपकी तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2019। तो दोस्तों सीटेट ऑफिशियल आंतर की को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आपकी ऑफिशियल आंतर की जो है, पहले दोस्तों वो आपकी आनी थी 23 से 25 तारीख के बीच में, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसको डेट को चेंज कर दिया गया, जो अपडेट हो गई है 22 से 23 के बीच में आ सकती है। तो दोस्तों आपका 2 दिन पहले ऑफिशियल आंतर की जारी हो सकती है, तो एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए आज सुबह की यही है दोस्तों, कि जो पहले आपके आंतर की 23 से 25 के बीच आनी थी, अब दोस्तों वो तारीख बदलकर 22 और 23 दिसंबर कर दी गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पेपर वन आंतर की और पेपर टू आंतर की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना पेपर वन आंतर की नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसमें जो आपकी आंसर की आप देख रहे हैं, ये मतलब एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई आंसर की है। तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के सही होने वाले, जब आपके आंसर की आएगी तो बहुत ज्यादा 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो दोस्तों कोई खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक अपनी ऑफिशियल आंसर की या किसी भी आंसर की से अपनी अपने नंबर आपने नहीं जोड़े, तो आप दोस्तों इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए पेपर टू के लिए भी दोस्तों हमने आंसर की डाल दी। देखिए पेपर टू सेट ए आ रहा है और दोस्तों पेपर वन में आपका आ रहा है सेट ए। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को चलते चलते देख लीजिएगा कि पहले का दो है, दूसरा विकल्प है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। तो दोस्तों ये सेट ए है आपका फिलहाल, इसको आपको ध्यान में रखना है, सभी सेट्स के लिए नहीं है। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट हो कि अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों हर एक सेट के लिए हम बना देंगे अलग अलग। फिलहाल दोस्तों ये सेट ए के लिए है, तो आप लोग दोस्तों इसका अच्छे से देख के आप लोग अपना नंबर मिला सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वैसे दोस्तों आपका सेट ई में देख सकते हैं आप लोग कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चन के यहाँ पर दोस्तों उत्तर दिए गए हैं। तो अब भी आपके दोस्तों बस यही है कि डेट में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, कि जो आपके दोस्तों आंसर की आने की उम्मीद है अब वो 22 या 23 तारीख को ही जारी हो सकती है। अभी तक दोस्तों बात हो रही थी 23 से 25 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी 23 या 25 दिसंबर तक आपके आंसर की जारी हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि 25 दिसंबर को तो सबकी छुट्टी होने वाली है, तो 25 को तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब 23 या 24 थी, तो अब दोस्तों वो डेट चेंज होके हो गई आपकी 22 या 23, मतलब दोस्तों 102 दिन पहले आपकी आंतर की जारी हो सकती है। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। हर एक बच्चा काफी दिन से इंतजार में लगे हैं कि यार कब आंतर की आएगी, कब आएगी। तो दोस्तों जैसे ही आंतर की आएगी हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। और दोस्तों बात रही सीटेट रिजल्ट को लेकर, कि सीटेट रिजल्ट 2019 कब तक जारी होगा। अभी तक दोस्तों देखिए रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बात यह कही जा रही थी कि जब पेपर आपको हुआ था उसके 6 हफ्ते बाद, जी हाँ दोस्तों लगभग 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो 6 वीक्स का दोस्तों हम इंतजार करेंगे। देखिए अभी आपका लंबा प्रोसेस बचा है। जैसे दोस्तों अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद दोस्तों एक प्रोसेस होगा जब आप लोग अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है नहीं यार जो सीटेट आंसर बता रहा है वो तो गलत है, हमने बुक में कुछ और पढ़ रखा है, किताबों में कुछ और दिया है, तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होगी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तभी आपके आंसर को सीटेट दोबारा से सुनेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप जैसे मार्केट में कोई भी मिलने वाली बुक से अगर आप पढ़ के आए होंगे तो सीटेट उस आंसर को देखेगा भी नहीं। मतलब दोस्तों बस इतना है कहने का कि सीटेट उन्हीं आंसर को रिव्यू करता है जिसके आंसर दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए होते हैं। मतलब एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन होंगे उसी के वो सीटेट दोबारा से दोस्तों रिव्यू करेगा। अगर सीटेट को लगेगा नहीं यार नंबर पढ़ने चाहिए, तो सीटेट वहां पर आपके नंबर बढ़ाता भी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो आप मार्केट में कोई भी बुक खरीद के सोचें कि नंबर बढ़ जाए, तो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये बात को भी आपको खासा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है नई शिक्षक भर्ती 2020 की अपडेट है। जी हाँ, आप सीटेट का पेपर दिए क्यों है कि आगे चलकर आप टीचर बन सके, नौकरी मिल सके, तो क्या अपडेट है दोस्तों? देखिए दोस्तों आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर देश के हर राज्यों में अलग अलग नीतियां होती है, अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो दोस्तों कहीं पर सुपर टेट का पेपर होने लगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी तो यहाँ पर सुपर टेट का भी पेपर हो रहा है। कहीं पर दोस्तों अभी भी टेट पास होते ही सीधे आपके जो आपके दोस्तों ग्रेजुएशन ये सब नंबर जोड़ जाड़ के मतलब मेरिट सिस्टम बेस पर आपको नौकरी दी जा रही है। तो अभी दोस्तों हर जगह का प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन जैसे दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको अवगत करा देंगे कि भाई अब आपका फॉर्म वॉर्म आ चुका है, आप लोग अब तैयार हो जाइए। फिलहाल अभी तक दोस्तों कहीं पर ऐसा सुनने को नहीं आ रहा दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है, तो जैसे कोई अपडेट्स आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी आपका जो आंतर की है, हमने जैसे आपको बताया कि भी आंतर की आपको दोस्तों आने में समय लगेगा 22 या 23 तारीख। अगर आप चाहें अनऑफिशियल आंतर की मिलाना तो दोस्तों आप इसको मिला सकते हैं, इससे आप चेक कर पाएंगे दोस्तों कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों इसकी एक प्रॉपर वीडियो आज हम बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी देर में हम आपको दोस्तों एक पूरी प्रॉपर वीडियो दे देंगे जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे आखिर आपके नंबर बन कितने रहे।
और दोस्तों इसी आंसर की, दोस्तों जो आंसर की आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका एक लिंक में हम कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक देंगे। उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप इस आंसर की को पूरा पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिर आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो सब कुछ दोस्तों आपको पता चलेगा। तो बस कुछ ही और दिन का इंतजार और है, मतलब 22 तारीख के लिए 5 दिन और इंतजार करिए और आपके ऑफिशियल आंसर की आपके पास सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग आंसर की अपडेट चाहते हैं तो कहाँ मिलेगी सबसे पहले, तो आप एक वेबसाइट है बता दे रहे हैं, DELED, ठीक है, DELEDRESULT.com। जी हाँ दोस्तों, DELEDRESULT.com पर आप आकर चेक कर सकते हैं सबसे पहले, अगर आंसर की अपडेट आएगी सबसे पहले यही पर अपडेट आती है दोस्तों कि कब क्या कैसे हो रहा है। और दोस्तों बता दें, अगर आपने अभी तक PCS, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यूपी PCS का फॉर्म भरा था तो दोस्तों उसका हमने पूरा पेपर सॉल्यूशन बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं कि आखिर आपके यूपी PCS में कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको हर एक अपडेट से अवगत कराते रहेंगे, जो भी अपडेट निकल कर आएगी सब कुछ सबसे पहले आप लोग जानेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक जो नए शिक्षक भर्ती को लेकर काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, यार आखिर अब हमने सीटेट का पेपर दे दिया, तो सिंपल सी बात है कि आप सबको नौकरी भी करनी पड़ेगी, कि नौकरी आएगी कि सिर्फ सीटेट का पेपर होगा। देखिए दोस्तों, अभी कुछ ही दिन में आपका सीटेट जुलाई 2020 के लिए, जी हाँ दोस्तों, सीटेट जुलाई 2020 के लिए नया आवेदन शुरू हो जाएगा, मतलब फिर से आपको दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो मतलब सोचिए कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, कि यार नए नए बार फॉर्म आते जा रहे, सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब दोस्तों जैसे होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो सीटेट जुलाई 2020 बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आपको तैयार रहना भाई कि अगली बार के लिए, और उम्मीद करेंगे इस बार सभी बच्चे पास हो जाए। एक बात और दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो पेपर लीक की बात थी कि पेपर आपका लीक हुआ या नहीं। देखिए दोस्तों, पेपर लीक वाला जो मामला था उसको सीटेट ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भले आपने हमने आपको दिखाया था दोस्तों काफी न्यूज़पेपर की कटिंग्स जहां पर ये अपडेट आई थी कि पेपर लीक हुआ है, 2 लोग की गिरफ्तारी तक हुई है और कुछ लोग नहीं फरार हो गए, 5 लाख का मामला था पूरा। तो दोस्तों उसको सीटेट ने बिल्कुल भी, मतलब नहीं होता ना, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया और कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ तो आखिर हुआ ही होगा, ऐसा तो है नहीं न्यूज पेपर वाले पागल हैं, कुछ भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों उनका भी न्यूज पेपर पूरे देश भर में वायरल हुआ, सब लोग ने देखा कि हाँ भाई पता, दिक्कत क्या थी, अगर पेपर लीक हुआ होता ना तो सीटेट कुछ भी नहीं कर पाता, पेपर इनको कैंसिल करना ही पड़ जाता दोस्तों, इनके पास कोई और विकल्प होता ही ना, क्योंकि सीटेट का पूरे देश में एक पेपर आता है, एक पेपर की पॉलिसी का मतलब दोस्तों साफ है कि अगर 1.5 घंटे पहले पेपर वायरल होने की बात थी, जी हाँ दोस्तों 10 मिनट 15 मिनट पहले नहीं, 1.5 घंटे। आपको बताते दोस्तों, जो हमने वीडियोस भी बनाई है आपका सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसकी वीडियो भी दोस्तों लेंथ भी आपकी 1.5 घंटे की नहीं है, मतलब 1.5 घंटे से छोटी हमारी वीडियो है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर सोल्यूशन संभव है। जी हाँ दोस्तों, अगर वही पेपर एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाए तो 1.5 घंटे से कम समय में उस पेपर को सोल्यूशन किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दोस्तों जो पेपर वायरल की घटना थी वो बहुत ही बड़ी घटना थी, अगर जिन तक वो पहुंची हुई दोस्तों, मतलब उनका तो भाई 120 नंबर श्योर है, और जो बच्चे मेहनत किए होंगे और वो बच्चे तो 90-95 के लिए भी परेशान हो रहे होंगे, 90 या 82 आ जाए। हाँ एक बात और आपको बताते हैं, इसमें पासिंग मार्क के कितने बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। अगर आप लोग दोस्तों जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए दोस्तों 90 नंबर लाना है, और अगर आप लोग OBC SC और ST कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए दोस्तों पासिंग मार्क रखी गई है 82 नंबर। ये दोस्तों आपके आरक्षित वर्ग है नीचे वाले, और दोस्तों ऊपर जनरल क्या है, ये अनारक्षित वर्ग है। तो मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर लाकर पास होना पड़ेगा, और अगर आप लोग आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 82 नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों और भी जो अपडेट आती रहेंगे हम प्रॉपर आपको अपडेट करते रहेंगे, क्या अपडेट हो रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है। तो सीटेट को लेकर दोस्तों काफी अफवाह रहती है कि ऐसा वैसा हो रहा है, लेकिन ठीक है, तो जो भी दोस्तों ऑथेंटिक न्यूज होगी सबसे पहले हम आपको देंगे क्या सही है क्या गलत है। तो फिलहाल दोस्तों हमने 2 आंसर की आपको दिखा दी, इसका हम लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, उसके माध्यम से दोस्तों आप लोग पूरा एक्सेस कर पाएंगे कि आखिर कितने नंबर आपके बन रहे हैं। एक बार दोस्तों उसको देख लेंगे, श्योर हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे टेंशन में, जिन बच्चों के नंबर दोस्तों बिल्कुल करीब आ रहा होगा कि 88 नंबर आ रहा है, 90 नंबर पहुंच जाए कैसे भी 2 नंबर बढ़कर, या जो बच्चे 80 नंबर पर पहुंच रहे होंगे उनको 82 चाहिए होगा, वो बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो वो सब दोस्तों चेक कर सकते हैं हमारी आंतर की को दोस्तों, और आंतर की के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके नंबर कितने बन रहे हैं। और जो भी दोस्तों प्रॉपर अपडेट रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं, और दोस्तों देखिए कुछ बातें और जाते जाते, कि जो आपके आंसर की डेट है काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कब तक जारी होगा, 22 या 23। तो दोस्तों पूरी संभावना है कि आपके आंसर की जो है वो 23 दिसंबर को ही जारी होगी, क्योंकि दोस्तों 23 दिसंबर की डेट काफी दिन से हाईलाइट हो रही है, और अच्छी किस्मत रही तो आपकी 22 को ही जारी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब देखिए ये रिजल्ट तो है नहीं, आंसर किए उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा, वो दोस्तों हम आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि आप लोग ऑब्जेक्शन अपने कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत जरूरी चीज है ऑब्जेक्शन आपको सीखना, क्योंकि अगर आपको लगता है दोस्तों कि नहीं यार ये नंबर क्वेश्चन मेरा सही होना था और ये गलत हुआ है, तो ये जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में नई शिक्षा नीति के अनुसार 1/4
जी हाँ दोस्तों, यूपी में फिलहाल 1/4 का नियम आ गया। अगर यूपी टेट और सीटेट या टेट का कोई भी परीक्षा होगा दोस्तों, जितने भी आप नंबर लाएंगे उसका जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी उसमें मेरिट सिस्टम में 1/4 नंबर जोड़े जाएंगे। तो यूपी में दोस्तों बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपका सीटेट में अच्छे से अच्छा नंबर हो, और बाहर के बच्चों के लिए भी उतना जरूरी नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे।